आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल दिल्ली एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं दिशा और दूरी के जो अंतिम दिन है, मतलब आज उसका पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, तो जिन्होंने अब तक दिशा और दूरी ना पढ़ी हो, पूरा कंप्लीट आप दिशा और दूरी पढ़ सकते हैं। और इससे ज़्यादा दिशा और दूरी में होता नहीं है, और वो SSC और रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन आज मैं पूरा बता देता हूँ। तो आज मैं दूरी वाले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताऊँगा। कल मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था परछाई वाला, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो परछाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा बिल्कुल, और वो भी बेहद ही आसान है। बिना ड्रॉ किए हुए परछाई के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, अगर वो आपको समझ में कॉन्सेप्ट आ गया तो आप बिना ड्रॉ किए हुए क्या आपका आंसर आ जाएगा। और तो मैं अब पढ़ाई की मतलब वो करता हूँ, जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आपको, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और सौरभ के आंसर भी आए थे, बाकी लोगों ने कमेंट भी किया था। तो जिनके आंसर आए थे बहुत अच्छे, जिनको नहीं आए थे, अगर कोई डाउट हो कि वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, तो आज वो 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और उनका डाउट का जगह क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप घर पे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप कोई भी बुक रखे हो आप उससे क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो होमवर्क का था वो आप पहले करो, फिर मैं बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप पहले पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखें, अब तक आंसर आ जाने चाहिए थे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपके आंसर नहीं आने चाहिए। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ध्यान से सुने। एक दिन सुबह के समय रमण सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, उसके ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी, वह किस ओर मुख करके खड़ा था ये हमको बताना है। तो मैंने कहा था कि आपको 2 कंडीशन होती है, भगवान सूर्य जब निकलते हैं और भगवान सूर्य जब मतलब डूबते हैं तभी हमारी क्या परछाई बनती है, जब 12 बजते हैं तो परछाई नहीं बनती है, ये आपको मैंने कल बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर कह रहा है कि जब क्या होता है, सूर्योदय हो रहा होता है, तो मैंने कहा कि जब सूर्योदय होता है तो उसे सनराइज होता है, यानी कि आप क्या करोगे, आर्थर विनोट करोगे। अब अगली लाइन में मैंने कहा कि एक ध्यान से पढ़े, तो कहता है कि जो रमण है उसकी वो पोल की तरफ देख रहा था, पोल की जो परछाई है वो रमण के किधर बन रही थी, तो रमण के अगर आप देखोगे तो रमण की बाईं ओर बन रही थी, लेफ्ट साइड में बन रही थी। किस साइड में बन रही थी, तो आपने कहा कि लेफ्ट साइड में बन रही थी। किस साइड में बन रही थी, लेफ्ट साइड में। जैसे ही R और L का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देता है तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, तो आपने कहा कि उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। यानी रमण का मुख किधर था, आपने कहा कि कौन सा व्यक्ति है, तो आपने कहा रमण है। रमण का जो मुख रहेगा वो किधर की रहेगा, उत्तर की तरफ रहेगा। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है आपको, दक्षिण दिया हुआ है, पूरा प्रश्न दिया हुआ, आंकड़े अपर्याप्त लिखा हुआ, आंकड़े अपर्याप्त नहीं होना चाहिए, तो वहां पर उत्तर होना चाहिए था। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपने कहा उत्तर होगा। जिसके आंसर उत्तर आ रहे हैं बहुत अच्छे। अब इससे आसान तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगा कुछ भी आपका। यहाँ पर आपका क्या है, आपने कहा भगवान सूर्य उग रहे हैं, इसलिए आर उनकी परछाई बन रही है लेफ्ट साइड में, मतलब पोल की जो परछाई है वो किधर बन रही है रमण के, तो आपने कहा लेफ्ट साइड में। जैसे ही R और L का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, किसी को कोई डाउट नहीं। अगली, जैसे ही मैंने कहा कि अगर डबल R दिखाई देता मैं दक्षिण बोल देता, डबल L दिखाई देता तब भी मैं दक्षिण बोल देता, तो ये मैंने कल आपको मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। तो आप बिना ड्रॉ किए कैसे कर सकते थे, तो ये कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 होमवर्क का जो था वो साथ में लगा हुआ है, तो आप उसे पहले एक बार पढ़ो, फिर आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा पढ़े फिर बताएं, थोड़ा कम मतलब आप आजकल बहुत कम लोग लाइव आते हैं, और आते हैं तो फिर चले जाते हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है। आपको कौन सा ज्ञान सीखना चाहिए, हमेशा पूरा बराबर सीखो, ज्ञान कम हो ज़्यादा हो वो आपको कैसे पता, जब आप पेपर दोगे तो वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि टॉपिक आती है तो बिल्कुल इस वहम में न रहें, क्योंकि वहम जो होता है वो इंसान को बहुत नुकसान करता है ना। मैं इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आओ क्लासेस में, आपके लिए क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस अटेंड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने का प्रयास करिए, ठीक है। ये फ्री का यूट्यूब पे आपके लिए ज्ञान मतलब पूरा अच्छे से बाकायदे पूरा प्रॉपर दिया जा रहा है, तो आप उसका यूटिलाइज करें। जो मैंने परछाई वाला मेथड बताया, हो सकता है आपने मतलब बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, मे भी रेयर किसी ने पढ़ा होगा, अगर आप ऑन द फैक्ट अगर चेक करोगे तो, ठीक है। या किसी बुक में भी ऐसा नहीं लिखा है, बुक में भी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत डाउट हो जाएगा। जल्दी करें,
चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर दो मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सुबह सूर्योदय के बाद, भगवान सूर्य निकल चुके हैं सूर्योदय के बाद, राहुल एक खंभे की तरफ मुख करके खड़ा है। खंभे की परछाई राहुल के ठीक दाएं तरफ पड़ रही है। राहुल के किधर पड़ रही है? ठीक दाएं तरफ पड़ रही है। तो कहता है कि राहुल का मुख किस दिशा में, हमको ये बताना है। तो देखें ध्यान से, भगवान सूर्य यहाँ पर निकलने की बात कर रहा था, यानी कि किसकी बात कर रहा है? तो आपने कहा कि आर की बात कर रहा, राइज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? राइज। तो जैसे ही राइज भगवान उगने की बात करेगा, सूर्योदय की बात करेगा, तो मैंने कहा था आर से डिनोट किया जाएगा। किससे? आर से। अब अगर पोल है, जो पोल है उसकी परछाई राहुल के किस साइड बन रही थी? तो आपने कहा कि वो राइट साइड बन रही थी। किस साइड बन रही थी? राइट साइड में। मैंने कहा कि जब डबल आपको आर दिखाई देगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने बोला दक्षिण हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा दक्षिण हो जाएगा। ये बहुत ही बेहद ही आसान है। क्वेश्चन नंबर तीन, अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो आप बोर्ड पे देखो, मैं भी उसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीन आप पढ़ें और तुरंत आंसर बताएं। कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में पूर्व पश्चिम ऑप्शन नहीं होता, उसे तुरंत एलिमिनेट करें। आपका अगर किस्मत अच्छी रही तो एक ही ऑप्शन आ सकता है, हो सकता है उत्तर, या तो चौथा नाना बीज भी हो सकता था। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। कहता है कि एक मैदान में सूर्योदय के बाद श्याम और सोनी एक दूसरे की तरफ आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। श्याम और सोनी एक दूसरे के सामने खड़े होकर क्या कर रहे थे? आमने सामने बात कर रहे थे। अगर सोनी की परछाई श्याम के ठीक बाईं ओर पड़ती है, तो सोनी का मुख किस तरफ होगा, ये हमको बताना है। तो क्या हो रहा है? भगवान सूर्य निकल रहे हैं। बोर्ड पे देखें, भगवान सूर्य निकल रहे हैं, श्याम और सोनी एक दूसरे के आमने सामने खड़े की बात कर रहे हैं। जो सोनी है उसकी परछाई श्याम के किस साइड बन रही है? तो आपने कहा कि श्याम के ठीक बाईं ओर बन रही है। किस साइड बन रही है? बाईं ओर बन रही है। बाईं ओर का मतलब होता है लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड। यहाँ पर देखें, इन दोनों को आंसर अगर लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो उत्तर आपका क्या आ जाता है? तो आपने बोला उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपने कहा उत्तर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। अब मैंने कहा कि ये जो मुख होगा ये किसका मुख होगा? तो आपने कहा ये श्याम का मुख होगा। जिसके ऊपर परछाई बनती उसका मुख आता है। हमसे पूछा किसका है? तो हमसे पूछा सोनी का। अगर ये उत्तर की तरफ है तो इसका मुख किधर, सोनी का मुख किधर हो जाएगा? तो आपने कहा इसके अपोजिट किधर हो जाएगा? दक्षिण की तरफ। तो जिनके आंसर दक्षिण आ रहे हैं वो आंसर होगा। जिसके ऊपर परछाई बनती है वो उसका हमेशा क्या होता है? ये मुख आता है। समझे आप? ठीक है, तो ये बेहद ही आसान क्वेश्चन थे, मतलब साइडों वाले। साइडों के सबसे बेस्ट जो तरीका हो सकता था मैंने बताया था। अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो मतलब आपका जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आता है वो आता है दूरी निकालने वाला। तो मैं दूरी वाला क्वेश्चन बताता हूँ। जो पहला क्वेश्चन है आप पहले उसे ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ कि दूरी वाले पहले क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। पहले आप पढ़ें फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर एक है, मतलब यानी कि चौथा है आज का, और उसका सलूशन देखें आप थोड़ा सा। चलिए मैं पढ़ता हूँ और मैं बताता हूँ, अब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। जिनके नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, और एकदम आराम आराम से कमेंट करते रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। और आपकी क्लास पर डे 8 बजे होती है, लेकिन अगर कभी कभी नेट की प्रॉब्लम आती है तो उसके चलते थोड़ी सी लेट होती है, 5-10 मिनट की, 15 मिनट की, तो थोड़ा सा वेट किया करें। और आजकल कम लोग लाइव आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइव ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और वीडियो को देखें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। और 1-2 नंबर क्या वेटेज समझो, किसी भी सिलेक्शन में 1-2 नंबर बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप एकदम आराम से संयम के साथ देखें। एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 21 मीटर है। एक बिल्ली सभी चार दीवारों के साथ चलती है, और अंत में एक चूहे को पकड़ने के लिए बिकड़ के साथ चलती है। बिल्ली द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी जो है वो क्या करती है, घुमा दी गई है। अब पहले आप क्या करोगे, फिगर ड्रॉ करता हूँ मैं।
मैंने कहा कि अगर मान लो ये 20 मीटर क्या है, आपने कहा कि 20 मीटर जो है वो इसकी क्या है लंबाई है, ये इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड पे देखें आप, थोड़ा सा आगे पीछे मान लीजिएगा। ये अगर मैं मान लेता हूँ 20 मीटर है, ये मेरा कितना हो जाएगा, तो आपने 21 मीटर है, ये भी आपका कितना आ जाएगा 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर मीटर में है। अब क्या करती है, एक बिल्ली जो होती है वो क्या करती है कि मान लो किसी एक पॉइंट से वो चलना शुरू करती है, तो पहले क्या करती है कि चारों दीवारों पर क्या करती है एक राउंड मारती है, एक चक्कर मार लेती है, एक चक्कर क्या मारती है मार लेती है बिल्ली। तो ये क्या होगी, ये दूरी भी आपको कंसिडर कर, फिर उसके बाद बिल्ली क्या करती है कि डायगोनल भी चलती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कहती है, चूहा यहाँ पर उसको मिलता है खाने के लिए कॉर्नर पे। तो क्या करती है बिल्ली कि अब वो क्या करती है डायगोनल चलती है, क्या करती है डायगोनल चलती है। मान लो अगर इमेजिन करो कि बिल्ली कहीं चूहा यहाँ देखी, तो जैसे बिल्ली आ गई चूहा यहाँ गया, फिर बिल्ली यहाँ पहुंची चूहा यहाँ पहुंचा, फिर बिल्ली यहाँ पहुंची चूहा यहाँ पहुंचा, तो बिल्ली फिर ऐसे चूहा फिर यहाँ पहुंचा होगा, तो बिल्ली ने दिमाग लगाया जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो उसने क्या किया डायगोनली चली है, बिल्ली उसको शिकार करने के लिए डायगोनली क्या करती चलती होगी, ये हुआ होगा, यही हुआ होगा। अब पहले क्या करूंगा मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगा, तो पेरीमीटर निकालने के लिए यानी कि उसको कुल कितनी दूरी तय की होगी, तो आपने कहा 21 और प्लस 20 और गुणे में अगर मैं 2 कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, यानी 82 मीटर। तो बिल्ली ने केवल क्या किया पेरीमीटर इसकी घूमी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये डायगोनल जो दूरी चल रही है, अगर आप बोर्ड पर ध्यान से देखोगे तो जो डायगोनल ये दूरी चल रही बिल्ली, तो डायगोनल वाली जो दूरी चल रही है यहाँ तक चले, ठीक, तो 90 अंश के सामने वाला जो कोण बनता है, मतलब जो सामने वाली भुजा होती है उसे क्या बोला जाता है हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है कर्ण बोला जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कर्ण हो जाएगा। अब मुझसे क्या पूछ रहा है कि कर्ण की दूरी कितनी हो जाएगी, तो मैंने कहा कि 20 का स्क्वायर अंडर रूट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि 20 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, बोलो हाँ यार। 20 का स्क्वायर 400 होता है 441, 400 और 441 अगर जोड़ दोगे तो 881 होता है, और 881 अगर आपको पता होगा ध्यान से तो वो 29 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो आपने कहा 29 का स्क्वायर होता है, यानी डायगोनल उसने कितना चला होगा 29 मीटर चली होगी। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 11 8 10 11 हो जाएगा, यानी 111 मीटर क्या की बिल्ली पूरा ट्रेवल की थी, ये उसकी क्या थी दूरी थी। बिल्ली क्या करती है पहले क्या करती है पूरी पूरी सरफेस मतलब पेरीमीटर पे घूमती है, फिर उसके बाद ये क्या करती है डायगोनली चलती है। बिल्ली द्वारा कोई चली गई दूरी कितनी है, तो 111 मीटर, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा केवल घुमाएगा, लैंग्वेज घुमाएगा, शब्दों में घुमाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप समझने का प्रयास करोगे बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बोलो, कमेंट करो, नहीं तो आके देखो थोड़ा सा ये समझ में आ गया नहीं। ये पेरीमीटर होता है 20 + 21, आपके आमने सामने भुजा बराबर होते तो 2 कर दोगे ठीक है 82 मीटर निकलेगा, और ये क्या निकल जाएगी, तो आपने कहा कि ये आपके डायगोनल निकलेगी कर्ण निकल जाएगा, ये आपको बताना था, ये चीज़ें थी। तो आप अगर जोड़ोगे कितना 11 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, उसको जल्दी बताओ फिर मैं बताता हूँ, जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा स्क्रीन पढ़ाएं अपने आप को, कमेंट पास करते रहें आप, बिल्कुल इधर उधर बातें बिल्कुल ना करें आप, केवल पढ़ाई की बात करें, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि अंकित अपने घर से चलना शुरू किया और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला, अंत में वह दाएं मुड़ा और अपने कार्यालय के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलता है। उनका घर उनके कार्यालय से कितनी दूर है और किस दिशा में है, ये दोनों हमको क्या करना आंसर बताना है। तो हमको दूरी भी बतानी है और हमको क्या करना दिशा भी बताना। तो जैसा क्वेश्चन कहता है पहले मैं वैसा ड्रॉ कर लेता हूँ। अंकित अपने घर से चलना शुरू करता है, 6 किलोमीटर किधर चलता है, दक्षिण की तरफ। तो मैंने कहा कि मान लो अगर अंकित का घर यहाँ पर एक पॉइंट पे है, ये क्या है आपने कहा कि ये इनिशियल पॉइंट, मान लो उसका क्या है होम है, चलो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ उसका घर है, अंकित का क्या है यहाँ पर घर है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या करता है दक्षिण हमेशा किधर होगा, तो आपने कहा नीचे की तरफ होता है, और कितना किलोमीटर चलता है, तो आपने कहा 6 किलोमीटर चलता है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक चल गया 6 किलोमीटर। आगे चलो, अगली लाइन पढ़ता हूँ मैं।
दक्षिण की ओर चलता 6 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। अगर मैं कहता हूँ बाएं निकालना होगा तो आप क्या करोगे, हाथ ऐसे रखोगे, हाथ रखोगे, सभी लोगों को पता है हाथ रखोगे तो ये इधर वाला पार्ट क्या होगा, राइट साइड, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। नाखून वाला पार्ट मेरा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, और हाथ वाला पार्ट मेरा क्या होता है, ये सांप वाला पार्ट क्या होता है, राइट साइड होता है। अब इधर ये मुड़ता है तो कितना चलता है, तो आपने कहा कि 4 किलोमीटर चलता है, बोलो हाँ या ना, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, मुझको लग रहा है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अब सबको समझ में आ रहा है। आगे लिखा हुआ है फिर से वो दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। देखें अगर मैं इधर जा रहा है तो हाथ ऐसे रखोगे, ये एरो का निशान है, हाथ अगर ऐसे रखोगे तो नीचे तरफ क्या जाएगा, तो आपने कहा दाया आ जाएगा, ऊपर तरफ क्या जाएगा, बाएं आ जाएगा। तो दाएं मुड़ता है कितना चलता है, तो आपने कहा 6 किलोमीटर चलता है, बोलो हाँ या ना, कितना चलता है, तो आपने कहा 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा, बस यहाँ तक चल देता 6 किलोमीटर चलता है। फिर अगली लास्ट लाइन में पढ़ता हूँ वो क्या कहता है, कहता है कि 6 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और मुड़ता है और अपने कार्यालय के लिए 13 किलोमीटर पैदल चलता है। अंत में वो दाएं मुड़ता है, अगर हाथ ऐसे रखोगे इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइट साइड, इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड। अब वो राइट साइड की तरफ मुड़ता है और कुछ कितनी दूरी चलता है, तो आपने कहा कि 13 किलोमीटर चलता है। मैंने कहा यहाँ मान लो क्या होगा, 13 किलोमीटर होगा, ये उसकी क्या है, तो आपने कहा ये ऑफिस है उस व्यक्ति की, ये क्या हो गया, ऑफिस हो गई। ये अगर आप ऐसे डॉट डॉट से अगर इसको मिला दोगे ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 4 किलोमीटर हो जाएगा, इसको तो मैं निकाल लेता हूँ, और ये कितना हो जाएगा, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, 9 × 4 = 13 होता है, 9 किलोमीटर हो जाएगा, बोलो हाँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर इसको मैं मिला देता हूँ तो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये 6 किलोमीटर हो जाएगा, बोलो हाँ। मुझसे पूछा है, अगर ध्यान से देखोगे, मुझसे पूछा उसके घर से और ऑफिस के बीच की दूरी, तो मैं क्या करूँ, हमेशा मिनिमम दूरी लेने का प्रयास करूँ। क्या आप सबने ऐसे ही फिगर ड्रॉ किया था, अगर जिसने फिगर सही ड्रॉ किया उसके आंसर आ रहे होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखोगे बोर्ड पे, अगर मैं इसको पूरा मिला देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये आपका यहाँ से क्या बन रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यानी मैं इसका मान निकालना चाहूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 6 और 6 कितना आ जाएगा, 12, यानी 12 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 9 का स्क्वायर। बोर्ड पे देखते रहें जरा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 225 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी यस की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा कि 15 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपकी क्या निकलेगी, 144 और 81 जोड़ोगे 225 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा, तो आपने कहा कि ये निकल जाएगा आपका 15 किलोमीटर। लेकिन आपसे एक और चीज़ पूछा है, वो पूछ रहा है कि वो बताओ उसके ऑफिस से उसके घर किधर की दूरी में, किस दिशा में है, मुझे ऑफिस से पूछ रहा है। तो मैंने कहा जिस पॉइंट से पूछेगा उस पर क्या करो, आप ये ड्रॉ कर दो, आप डायरेक्शन ड्रॉ कर दो, बोर्ड पे देखें थोड़ा सा, डायरेक्शन आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, तो अपने कहा ईस्ट, ये क्या हो जाएगा, तो अपने कहा नॉर्थ, ये वाला क्या हो जाएगा साउथ, और ये क्या हो जाएगा, अपने कहा वेस्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यानी उसका जो घर है, उसका जो ऑफिस से घर की दिशा की अगर आप देखोगे तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट कितना हो जाएगा, तो अपने कहा नॉर्थ ईस्ट में कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है आराम आराम से एकदम। मैंने कहा एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ये कितना हो जाएगा, 225 215 होता है, और यहाँ से मुझे पूछ रहा ऑफिस से उसके घर की दूर मतलब किस दिशा में है, तो मैंने हमेशा कहा जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वहाँ से आप दिशा बना लो और देखो ये किसके बीच में आ रहा है, तो आपने कहा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा था, आंसर का नॉर्थ ईस्ट 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर है, जिनके आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छे, जिनके नहीं आए हैं कोई बात नहीं, आपको प्रयास करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 6 इसी पैटर्न पे, थोड़ा सा उसे जल्दी बताएं फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एकदम आपको दिक्कत हो तो कमेंट करिए, जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को केवल ड्रॉ करिए आराम आराम से एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, आराम से एकदम देखें, पहले उसको ड्रॉ करें फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ता हूँ, देखें थोड़ा बोर्ड पे। राधा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर दूरी तय करती है, फिर वह पश्चिम की ओर
बढ़ती है और 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। राधा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर वो पश्चिम की ओर बढ़ती है और 14 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अंत में वो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो वह अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है, यह हमको क्या करना बताना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। राधा जो है क्या करती है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं अगर बहुत बेसिक से कोई होगा नॉर्मल सा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ है और ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बोलो हाँ। तो मैंने कहा कि मान लो ये ओरिजिन जो उसका पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, वहाँ पर राधा खड़ी है। अब वो क्या करती है, साउथ ईस्ट में 7 किलोमीटर चलती है। साउथ ईस्ट का मतलब ऐसे टेढ़ा होता है, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ ये 7 किलोमीटर चलती है राधा यहाँ तक चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद वो पश्चिम की तरफ चलती है, पश्चिम किस दिशा में होता है, पश्चिम सीधा इधर इस वाली दिशा में होता है और कितने किलोमीटर चलती है, तो आपने कहा 14 किलोमीटर की दूरी का राधा चलती है। अगर आप देखोगे तो कितना है, तो आपने कहा 14 किलोमीटर दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अगली लाइन पढ़ोगे ध्यान से देखो, 14 किलोमीटर चलने के पश्चिम के बाद वो क्या करती है, उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले इलाके में जा रहे हो, उत्तर पश्चिम का मतलब अगर आप देखोगे ये वाला इलाका हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर वो ऐसे जा रहे थे, उत्तर पश्चिम का इलाका यही वाला हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर वो ऐसे जा रहे थे तो उत्तर पश्चिम का इलाका कुछ ऐसा हो जाएगा, और वो कितने चल रही, तो आपने कहा 7 किलोमीटर चल रही। बोलो हाँ या ना, बोर्ड पे देखते रहे। अगर जैसे ही ये तीन पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपने कहा ये लगभग पैलोग्राम की तरह दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा पैलोग्राम एकदम दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना। और उसके बाद क्या करती, अंत में 4 किलोमीटर की क्या करती, पूरब की दिशा में दूरी तय करती है। कितना दूरी करती है, तो 4 किलोमीटर तय करती है। हमसे क्या पूछा गया, ये टोटल दूरी कितनी है, तो आपने कहा ये टोटल दूरी जो आपकी है वो 14 किलोमीटर है। 14 में से अगर आप 4 निकाल दोगे तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 10 किलोमीटर। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि 10 किलोमीटर। ये तो बेहद आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से एकदम समझने का प्रयास करें, थोड़ा कमेंट करते रहें, और जितने भी लोग आप देख रहे हैं वीडियो शेयर करें, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 आप बताएं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप बताओ फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा करें फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 कैसे किया जाएगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, मैं पढ़ता हूँ आप करते रहें। पीयूष ने अपने घर से चलना शुरू किया और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पैदल चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अंत में वह अपने दाएं मुड़ता है और अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 25 किलोमीटर पैदल चलता है। उनका कार्यालय उनके घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, दूरी और दिशा दोनों पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन को ड्रा कैसे करेंगे, तो पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहता है कि पीयूष अपने घर से चलना शुरू कर पश्चिम की दिशा में। अगर मैं मान लेता हूँ पीयूष का घर कुछ यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है पीयूष का घर, अब वो क्या करता है कि चलना शुरू करता पश्चिम की दिशा में। कितना चलता है, क्वेश्चन आपको दिया हमारा, तो वो कितना चलता है, तो आपने कहा कि 5 किलोमीटर क्या करता है, पैदल चलता है, कोई दिक्कत नहीं। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है, अगर हाथ रखोगे तो दाईं ओर ऊपर हो जाएगा। और कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। चलो मैंने मान लिया 10 किलोमीटर, एक मिनट मान लो 10 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, चलता है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। 10 किलोमीटर जब फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर चलता है। अगर आप हाथ ऐसे रखोगे, हाथ रखोगे दाया किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, फिर से वो क्या करता है, 13 किलोमीटर दूरी चलता है, 13 किलोमीटर दूरी चलता है। अगर आप बोर्ड पे थोड़ा देखें, सीधी रेखा बना लीजिए, यहाँ से कितना चलता है, 13 किलोमीटर। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको और बढ़ा लिया, लगे 13 किलोमीटर है, थोड़ा सा दिखना चाहिए ना। ये अगर यहाँ से यहाँ तक मैं मिला देता हूँ, ये तो आपका 5 निकल जाएगा,
और ये बची कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी, 8 + 5 = 13 होता है, 13 हो गया, तो कुल 13 किलोमीटर दूरी होगी, नहीं होगी। अब उसके बाद लास्ट लाइन पढ़ो, जरा अगली लास्ट लाइन पढ़ते रहो। कहता है कि फिर वो दाएं मुड़ता है, 13 किलोमीटर चला जाता है, अंत में वो दाएं मुड़ता है, 25 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 25 किलोमीटर तक अपने कार्यालय पहुंचने के लिए पैदल चलता है। तो ये क्या करता है, अंत में वो यहाँ पर खड़ा व्यक्ति अब वहाँ से घूमता है और 25 किलोमीटर दूर चलता है। तो 25 किलोमीटर का मतलब होता है सीधा नीचे आ जाएगा। मैंने मान ली कुल कितनी दूरी है, तो आपने बोला 25 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे अगर मैं मिला देता हूँ डॉट डॉट से, बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये दूरी कितनी है, तो आपने कहा ये 10 है, ये 10 किलोमीटर निकाल लीजिए, तो बची दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 15 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आ रहा होगा। अब मुझसे क्या पूछा गया है कि घर से और कार्यालय के बीच की सबसे कम दूरी, तो मैंने कहा घर से कार्यालय के बीच की सबसे कम दूरी तो यही दिखाई दे रही है। ये अगर 90 डिग्री बना, उसके सामने वाली भुजा कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 90 के सामने वाला जो कोण होता है वो आपका क्या बनेगा, तो आपने कहा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, तो आपने बोला ये 8 हो जाएगा, बोलो हाँ यार। देखते रहे बोर्ड पे थोड़ा सा। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कहा कि ऐसे करो, यहाँ से अगर एच का मान निकालना होगा तो अंडर रूट में आप क्या करोगे, 15 का स्क्वायर प्लस क्या कर दोगे, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हम सबको पता होता है कितना होता है, 225 होता है, प्लस ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर आपस में ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 6 × 8 हो जाएगा और 289 हो जाएगा। यानी अगर आप इसे सरल करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यानी कि घर से और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 17 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आपको बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मुझसे क्या पूछा गया, लास्ट वाला पॉइंट में पढ़ता हूँ थोड़ा सा, देखिए मुझसे कह रहा है कि उनका कार्यालय उनके घर से कितनी दूर और किस दिशा में, उनके घर से पूछा है। तो घर से जैसे ही पूछेगा, जिस पॉइंट से पूछेगा, घर से पूछ रहा था, तो मैंने कहा घर के क्या करो, ऐसे ईस्ट और वेस्ट का डायरेक्शन बना दो। बोर्ड पे देखें, यह आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यह आपका नॉर्थ हो जाएगा, यह आपका वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो अपने कहा साउथ हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले कोने में आ रहा था, अपने कहा साउथ ईस्ट में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट में किधर है, 217 किलोमीटर है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप उसे पढ़े फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आप पहले पढ़े फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पहले आप पढ़ें फिर मैं बताता हूँ, आराम से पढ़ें। चलिए मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ता हूँ, ध्यान सुनो। ए बी के दक्षिण में 4 किलोमीटर की दूरी पर है, डी ई के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, एच जी के दक्षिण में 4 किलोमीटर दूरी पर है, सी डी के उत्तर 8 किलोमीटर की दूरी पर है, 8 मीटर की दूरी पर, सॉरी मीटर मीटर है, मीटर की दूरी पर है, सी बी के पूर्व में 4 मीटर की दूरी पर है, जी एफ के पूर्व में 3 किलोमीटर की दूर पर है, 3 मीटर दूर पर है, ई एफ के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है, ई और एफ के मध्य बिंदु पर आई है, डी और आई डी के ई और एफ के मध्य बिंदु बिंदु डी आई है, डी और आई के बीच सबसे डी और आई के बीच सबसे छोटी दूरी कितनी होगी, ये हमको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को किया कैसे जाता है, तो मेरी बात सुने थोड़ा सा, करने का जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो हमने क्या किया, एक लाइन अगर मान लो ए और बी के बीच में आपने जो फिगर ड्रॉ किया है, तो मैं अब सर्च करूंगा ए और बी से दूसरी ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो कनेक्ट कर रही, तो कहीं बी और सी के बारे में देगा, तो फिर मैं सी से डी के बारे में जाऊँगा, फिर डी से ई के बारे में जाऊँगा, ई से एफ पे जाऊँगा, एफ से क्या करूँगा, जी पे जाऊँगा। तो ये जाने का तरीका होता है, ये क्वेश्चन बताने का तरीका सिर्फ मेरा मतलब ये था कि आपको कैसे कनेक्ट किया जाता है पॉइंट, मैं उसको बताना चाहता था। अगर मैं ध्यान से एक बात कहता हूँ, देखें मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं इसके बाद बताता हूँ। कहता है कि ए जो है बी के दक्षिण में है, बोर्ड पे देखें सभी लोग ध्यान से देखते रहे। मैंने कहा कि अगर मान लो ये वाला पॉइंट बी है,
अगर बी के दक्षिण में ए है तो मैंने कहा नीचे ही होगा दक्षिण, यहाँ पर ए है तो ये कितने मीटर है, तो आपने कहा 4 मीटर की दूरी है। ये क्वेश्चन ने दिया हुआ नहीं दिया हुआ, सबको समझ में आ रहा है। अब मैं अगली ऐसी इंफॉर्मेशन खोजूंगा और वो मैं खोजने का प्रयास करूंगा बी ए और बी या बी और सी से ऐसा कौन सा रिलेशन बन रहा है, ए बी दोनों वर्डों में से किसका किसी और का रिलेशन बन रहा है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहता है कि डी ई, फिर उसके बाद एच जी है, फिर उसके बाद सी एंड डी कह रहा है, उसके बाद कह रहा है सी और बी, सी बी के पूर्व में 4 मीटर की दूरी पर है। तो अगली इंफॉर्मेशन जो कह रहा है उसने बी के रिस्पेक्ट में सी की बात कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, मैं अगर ये कहता हूँ कि अगर आपकी बातें यहाँ से कर दोगे सी के बारे में, बोल के देखे थोड़ा सा, ये जो आपका सी है वो इसके पूर्व में है किसके, बी के पूर्व में है कितना, 4 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ से दोनों पॉइंट आपने ऐड कर लिया, आगे चले जरा, तीसरा पॉइंट मैं क्या ऐड करूँगा, सी जो है डी के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है, सी जो है उत्तर डी के उत्तर में 8 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब है कि यानी कि सी जो है वो अगर 8 मीटर उत्तर में है तो यानी डी क्या होगा, दक्षिण में होगा। तो मैं ये बात जो कह रहा था कि मैंने कहा कि यानी कि जो डी वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा, और वो क्या होगा, वो इसके डी के रिस्पेक्ट में क्या है, सी जो है उत्तर में है कि नहीं है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा डॉट करके मिला देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो अपने कहा 4 मीटर, बचा हुआ दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा पहले ए और बी मैंने ड्रॉ किया, फिर मैंने बी और सी को ड्रॉ किया, फिर अगले लाइन में कह रहा है कि सी जो है डी के रिस्पेक्ट में 8 मीटर उत्तर है। तो मैंने कहा कि यानी कि जो डी वाला पॉइंट होगा दक्षिण में होगा और उसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, उत्तर में होगा। बोलो हाँ यहाँ तक क्लियर है किसी को, किसी को डाउट तो नहीं होगा किसी को। अगली लाइन में पढ़ता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से तो मैंने ड्रॉ कर लिया है, अब मैं देखो एक लाइन डी और ई के, जो डी है ई के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी है, ई के पश्चिम में डी जो है ई के पश्चिम में 5 मीटर की दूरी है। अगर मैं यहाँ पर डी बनाता हूँ, देखो थोड़ा सा डी यहाँ है मेरा, यानी ई के पश्चिम में है, यानी कि मैं अगर कहता हूँ ई पूर्व में है, ई क्या है पूर्व में है, इधर है पूर्व में है, उसके रिस्पेक्ट में डी क्या हो जाएगा, पश्चिम में हो जाएगा। ई अगर पूर्व में है तो उसके रिस्पेक्ट में डी क्या हो जाएगा, पश्चिम में होगा कि नहीं होगा, ये कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। हाँ या ना, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो सबको समझ आ रहा है। फिर अगली इन्फॉर्मेशन देखो जरा, यहाँ तक हो गया, अब लास्ट वाली इसके बाद इन्फॉर्मेशन, ई से किसको कनेक्ट कर रहा है, डी हो गया ई हो गया, ई से किसी और को कनेक्ट कर रहा है, जी और एफ के बीच की कितनी दूरी है, तो कह रहा है कि जी और एफ के बीच की जो दूरी दे रहा है, एफ जी से 3 मीटर पूर्व है, एफ जी से 3 मीटर पूर्व है ई, हाँ ई वाली इन्फॉर्मेशन है, ई एफ के दक्षिण में, ई एफ के दक्षिण में 12 मीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब अगर ई जो है, ई अगर मेरा क्या है कि एफ के दक्षिण में है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि यानी एफ किधर होगा, तो आपने कहा उत्तर में होगा, किधर होगा उत्तर में होगा, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा किधर होगा, तो आपने कहा उत्तर में होगा, और एफ यहाँ पर होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं कर देता हूँ तो ये वाली दूरी, अगर मान लो 1 मिनट के लिए अगर मैं मान लेता हूँ ये वाली दूरी कितनी है, तो आपने कहा 4 मीटर है, और ये वाली दूरी कितनी होगी, तो आपने कहा 4 मीटर, बोलो हाँ या ना। आपका लगभग क्वेश्चन बनने वाला है, देखिए थोड़ा ये कितना जाएगा, तो आपने 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये वाली बची दूरी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 4 मीटर। इसे कोई डाउट है, यहाँ तक 4 मीटर ये, 4 मीटर ये, 4 मीटर ये, 12 मीटर कोई दूरी हो गई। ई जो है ई के रिस्पेक्ट में एफ किधर हो जाएगा, तो आपने कहा उत्तर, एफ के रिस्पेक्ट ई किधर हो जाएगा, दक्षिण, बोलो हाँ या ना। और अगर लास्ट में मैं चलता हूँ थोड़ा सा देखें, अगर मैं लास्ट में एक क्वेश्चन जो बच रहा आपका, वो क्या कह रहा है कि ई और एफ का मध्य बिंदु क्या आई है, ई और एफ का मध्य बिंदु का मतलब क्या हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, ये भी 2 मीटर हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, लास्ट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो वो कह रहा है कि जो आपका जी है एफ से पूर्व कितने मीटर, 3 मीटर में, ये वाली जो दूरी है जी वाली, ये कह रहा है कि यहाँ से पूर्व में है, जी से पूर्व में है कितने मीटर, 3 मीटर, बोलो हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत है, हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है इसके और इसके बीच की क्या हो जाएगी, मिनिमम दूरी निकाल दो, इसके और इसके बीच की दूरी, मिनिमम दूरी बता रहा है, ठीक है। अगर आपने सही से ड्रॉ किया तो आपका आंसर क्या होगा, आने वाला है। देखिए ध्यान से, तो मैंने कहा ये अगर दूरी आप देखोगे ध्यान से, तो ये कितनी है, तो आपने कहा 4 हो तो कितनी है, 6, और ये कितनी है, तो आपने कहा 5 है।
और ये अगर आपका 90 डिग्री तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी ब्लड हो जाएगा। तो ये एच का अगर मान निकालना होगा, बोर्ड पे देखें, इस अगर एच का मान निकालना होगा, इस वाले अगर एच का मान अगर मुझे निकालना होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ये 4√6 अंडर रूट में 6 का स्क्वायर और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, तो आपने कहा कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो आपने कहा √61 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका सीधा सीधा क्या करेगा, आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को जो बताने का मेरा मेन मकसद था, मकसद ये था कि पॉइंट को कैसे जोड़ते हैं। जैसे मैंने पहले ए और बी को जोड़ा, फिर बी और सी को जोड़ा, फिर सी और डी को जोड़ा, फिर डी और ई को जोड़ा, फिर ई और एफ को जोड़ा, एफ और जी को जोड़ा, फिर आई को जोड़ा। जो पॉइंट कह रहा है, मतलब मैं पहले एक पॉइंट ए और बी को जोड़ा था, फिर उसके बाद बी और सी को मैंने जोड़ा, फिर सी और डी को मैंने जोड़ा, फिर डी और ई को जोड़ा, फिर ई और एफ को जोड़ा, फिर उसके बाद आपको यहाँ से आई मिला और यहाँ से आपको क्या मिल गया, जी मिल गया। तो आप क्या करें, एक दो पॉइंट जो मतलब ऐसा पॉइंट उठा जहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको क्या करें, तो मिलती रहे, ठीक है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, बाकी आज के लिए मतलब इतना ही रहने देता हूँ। क्लास थोड़ी सी अगर लंबी होगी तो कोई बात नहीं, आप मैनेज करो, ये आपकी जानकारी के लिए है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप। और आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में अगली टॉपिक क्या पढ़नी है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कौन सी टॉपिक पढ़नी है, मैथ में कौन सी टॉपिक पढ़नी है। और मैथ में मैं मतलब अगर आप सजेस्ट करेंगे तो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करूँगा, क्योंकि परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप उसके बाद पढ़ें, ठीक है। तो अगली टॉपिक अगर आपको समस्या नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट की जाएगी। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्लास में अटेंडेंस अपनी दें, लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच, और बाय, टेक केयर, खुद खुश रहें, खुश रखें और कोविड 19 से बचते रहें। और आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।